फिर मैंने कहा दर्शन तो होगा आपने को? नहीं नहीं, मैंने कहा इसलिए आपसे पहले मैंने गुरु जी से भी नहीं मिला, मैंने कहा पहले रात हो जाएगी ज्यादा, मैंने वहाँ भी तो हमारा गुरु याद करता है आपको जितनी भी रास्ता है आपका। गुरु भाई याद तो यहाँ ये जन्म स्थान है अपना, पूरा जंगल पूरा याद करता है आपको, यहाँ आध्यात्मिक जन्म स्थान है तो इसको कैसे भूल सकते हैं, जंगल याद करता आपको। उसने तो जहाँ जहाँ जिस चट्टान पर बैठ के भजन किया सब जगह सांस रहेगी तो इस स्थान पर पहाड़ और स्थान आपको नहीं बोला था। जी कहाँ गए? ये अच्छा जीवन में बैठो सकता था। ये जगह रही है मेरी आध्यात्मिक जन्मभूमि, और आध्यात्मिक जन्मभूमि ने बहुत कुछ दिया, इसने बहुत कुछ दिया आध्यात्मिक जीवन में, जितना हो सकता है मतलब संतोष नाम का जो धन दिया मुझे यहाँ। नहीं गुरु भाई? हाँ, संतोष सदा सुखी। मुझे यहाँ एक बार माँ ने राजगिरे का लड्डू दिया था, क्यों गुरु भाई याद है? अरे बड़े चमत्कार, हम लोग वहाँ गुफा में थे, गुफा में और दोनों ही अंदर बोल में घुस गए। हाँ। मेरे को भी अंदर ही, मुझे माँ ने, मैं बैठा था और ऐसे साक्षात व स्वरूप में लड्डू दिए थे माँ ने। बहुत पब्लिक आई है साथ में, सभी आप जिनको पता लगा सब आए गए। सुबह से चालू है गुरु, आज आए रे? हाँ सुबह से ही चालू है। अरे गुरु भाई, अरे वो हमने पत्थर तोड़ के लगाया था, वो बनाया था रास्ता ही, जब बाढ़ आई लपक के सब बह के ले गए। मैंने कहा यार इसको बनाने का नहीं है। उस गुफा में एक बार अपन जंगल में आग में गिर गए थे, भयंकर आग में गिर गए हम लोग। वहाँ देखना गुफा में इधर से पानी इधर से पानी निकले। स्वामी जब क्या करना चाहिए अपने को, भले काम करते अपन चलते नीचे, अच्छी लंबी लंबी चट्टान लाए बैठने के लिए, तीन तीन चार चार पत्थर लगा के उसके ऊपर बैठे। अब ये मेरे को बोले कि यार तुम मेरे पीछे पीछे बोलो यार, वो 15 अध्याय गीता का पढ़ाने को बोला था ये आगे आगे स्वामी जी।